जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक ईग्लू कैफे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट में है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ईग्लू बताया जा रहा है। इसकी ऊंचाई जहां 37.5 फीट बताई गई है, वहीं इसका व्यास 44.5 फीट है। इसके निर्माता सैयद वसीम शाह का दावा है कि ये दुनिया का अपनी तरह का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है। शाह ने कहा, मैंने कुछ साल पहले स्विट्जरलैंड में इस अवधारणा को देखा था, जहां उनके पास ऐसे होटल हैं जहां सोने की भी सुविधा है। मुझे लगा कि गुलमर्ग में बहुत बर्फ है और क्यों ना इस अवधारणा को यहां शुरू किया जाए। शाह के मुताबिक उन्होंने पिछले साल भी एक इग्लू कैफे बनाया था और दावा किया था कि ये एशिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है। एक होटल व्यवसाय शाह के मुताबिक, इस साल मैंने दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान बनाया है और इसकी ऊंचाई 37.5 फीट है और इसका व्यास 44.5 फीट है। उन्होंने कहा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार सबसे बड़ा इग्लू कैफे स्विट्जरलैंड में है और इसकी ऊंचाई 33.8 फीट और व्यास 42.4 फीट है, तो ये उससे बड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल के कैफे में 4 टेबल थे और एक बार में 16 लोग खा सकते थे, लेकिन इस साल उन्होंने 10 टेबल रखे हैं, जिनमें 40 लोग एक साथ मिलकर खा सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिन रात 25 लोगों के साथ इसे पूरा करने में उन्हें करीब 64 दिन लगे। उन्होंने बताया कि इसकी मोटाई 5 फीट है। साथ ही उम्मीद जताई कि ये 15 मार्च तक चलेगा, जिसके बाद इसे जनता के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये कैफे स्थानीय लोगों के साथ साथ रिजॉर्ट में आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।